तो जी हम फोर्स रोड पे अभी चल रहे हैं। ये जो है निशात और ये है जी डल लेक, ये आप देख सकते हैं ये वाला। वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज जो है हम डेव्यू आपको स्मार्ट सिटी का दिखाएंगे, जहाँ से बक्सी स्टेडियम से स्टार्ट करेंगे। और डेव्यू जो था, मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा था डेव्यू लाने के लिए, तो आज जो मैं है आपके लिए डेव्यू दिखाऊंगा। मैं आज पूरा स्मार्ट सिटी का निशा तक मैं जाऊँगा आज, तो जितना भी डेव्यू होगा स्मार्ट सिटी का वो मैं आपको आज दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सोंगा डल लेक में जो लास्ट ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद जो होता है सनसेट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे स्मार्ट सिटी के रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहे, और वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला। और जो है आज मैं यहाँ से तो गाड़ी ले रहा हूँ, बट आगे रास्ते में जो है मैं स्कूटी लेने वाला हूँ, क्योंकि स्कूटी से ही आपको स्मार्ट सिटी का व्यू दिखाऊंगा। सो वीडियो में आगे तक बने रहे, स्मार्ट सिटी का व्यू जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है आज, और डे व्यू जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है। बहुत सारे लोग जो है डे व्यू बोल रहे थे, तो आज में जो है संडे है, और संडे मार्केट भी हम वहीं से जाएंगे। संडे मार्केट में कितनी भीड़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो जी ये यहाँ से स्टार्ट होता है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, कितना है बक्सी स्टेडियम के पास से ही। बक्सी स्टेडियम ये वाला, जिसमें हर टाइप के प्लेयर्स का जो है स्टैचू दिया गया हुआ है, और यहीं से जो है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होता है। तो हम आगे कहाँ तक जाने वाले हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। मैं आपको जो है डे व्यू पूरा दिखाने वाला हूँ। तो जी यहाँ से जो है झेलम रिवर अब स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे लास्ट में आपको नाइट वीडियो में दिखाया था कि जहाँ से लाइटिंग वगैरह जो है कश्मीर में इंटरेस्टिंग लाइटिंग वगैरह दी गई है वो, और जो साइकिल स्टैंडिंग है ये वाली आपको बहुत जगहों पे जो है देखने को मिलेंगे। साथ में जो है फुटपाथ पे आपको अच्छे झेलम रिवर फ्रंट पे जो है इन्होंने स्मार्ट लाइटिंग वगैरह जो करी हुई थी वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे वीडियोज में। जी ये पहली वाली लाइट जो मैंने आपको नाइट व्यू में दिखाई थी, ये वाली जो कि एक बटरफ्लाई शेप में ये वाली, तो ये वाली है सेकंड लाइट, ये वाली सेकंड लाइट जिसका नाइट व्यू मैंने इससे पहले बनाया था। पूरे स्मार्ट सिटी का जो नाइट व्यू था वो मैंने बनाया था, वो आप वीडियो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिख के जाके वीडियो आप चेक कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही मज़ा आने वाला। और ये है तीसरी लाइट, ये वाली है तीसरी लाइट, और ये साइकिल स्टैंड यहाँ पर फिर से, और ये चिनार के पत्ते यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड पर देखते हो। और ये हैशटैग कश्मीर, ये वाला हैशटैग कश्मीर। और इसके बाद जो है लास्ट लाइट आगे मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ये जी ये वाली जो लाइट है बहुत ही प्यारी लाइट है, ये वाली है, मुझे बहुत लाइट ये पसंद है। तो जी यहाँ से जो है संडे मार्केट जो है आज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आज जो है संडे, सबसे बड़ा संडे मार्केट है वो श्रीनगर में लगता है, और वहीं से हम जाने वाले हैं। ये है जी TRC, और यहाँ संडे मार्केट जो है स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे भीड़ आज जो है बहुत ही होती है 1 बजे के बाद से ही। बस स्टैंड है संडे मार्केट का, और यहाँ पे आगे आपको मिलेगा हैशटैग फॉलोवे। ये जी ये आपका हैशटैग फॉलोवे मिलेगा यहाँ पे ये, और अब जो है हम आगे फॉलोवे की तरफ जाने वाले हैं। सो वीडियो में आगे तक बने रहे। तो संडे मार्केट की भीड़ आपको कश्मीर में आपको ऐसी भीड़ कहीं नहीं मिलेगी। फॉलोवे का डेव्यू देख सकते हो, आज जो है मार्केट पूरा बंद होगा, बट आप देख सकते हो कि पोलोवे का मार्केट जो है बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। ये आप देख सकते हो, ये है जी पोलोवे का मार्केट, जो कि फ्री वायरलेस मार्केट बन चुका है कश्मीर का पहला वाला, ये वाला जी। और इसके बाद जो हम आगे घंटाघर की तरफ जाने वाले हैं, जो हम आपको अभी आगे तक दिखाएंगे। और आज जो है संडे मार्केट की वजह से पूरा जो है संडे मार्केट TRC स्टार्ट होता है, जहांगीर चौक तक जो है संडे मार्केट ही रहता है। सो जी रेजिडेंसी रोड से आगे हम आए अब, और यहाँ पे आपको LCD दिखता होगा, ये वाला जी है LCD। जैसे आपको श्रीनगर स्मार्ट सिटी में बहुत सारे ऐसे LCD देखने को मिलेंगे, जो कि अभी बंद है, शाम के टाइम ये चलता है ज़्यादा। तो ऐसा जो LCD ये तो छोटा है, यहाँ पे आगे जाकर जो है आपको मैं बड़े LCD भी दिखाऊंगा कश्मीर में, बट ऐसे ऐसे जो LCDs है वो बहुत जगहों पे लगाए हुए हैं स्मार्ट सिटी में। सो और ये राइट साइड से आप प्रताप पार्क, ये वाली साइड से प्रताप पार्क, इस साइड से जो है अब रेजिडेंसी रोड का जो है घंटाघर का जो लुक है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इस वाले साइड से जो है घंटाघर का लुक स्टार्ट हो जाता है आप पूरे घंटाघर तक। जब वो घंटाघर दिख रहा होगा अब आगे, यहाँ से जो है घंटाघर, और जो है आप घंटाघर की तरफ जाने वाले आगे, घंटाघर के सामने घंटाघर का फुटपाथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है अब। ये है जी घंटाघर, जो कि रेनोवेट होके अब रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है अब, और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब यहाँ पे आकर, क्योंकि घंटाघर रेनोवेट होने से पहले उतना खास नहीं था, बट अब जो है बहुत ही अच्छा हो चुका है।
साइड से जो इसका पार्क था, जो पार्क थी यहाँ, उसको जो है रिनोवेट करके इस टाइप का बनाया था। और ये घंटाघर, और यहाँ से जो है लॉल जो आपको मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपको फाउंटेन मिलेगा। ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था नाइट व्यू में, वो वीडियो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको बड़ा स्क्रीन एक मिलेगा, यहाँ पे ये बैठने की जगह है यहाँ पे, और ये जो है आपको बैठने की जगह मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ से इस साइड से आपको LCD मिलेगा, ये वाला बड़ा LCD जो कि कश्मीर में रिनोवेट करके लगाया था ये वाला। और सामने झूले वाले जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये यहाँ से जो है अब मैं एमए रोड जाऊँगा पहले, और वहाँ से जो है मैं आपको डल लेक का जो डे व्यू है वो भी दिखाऊँगा। और एमए रोड पे जो हैशटैग श्रीनगर है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब ये जी स्की मॉल श्रीनगर का जो हमारा स्की मॉल हुआ है जी, ये जहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। उसके बाद जो है आपको एमए रोड पे ही पोलो व्यू का जो बैक साइड का व्यू है वो देखने को मिल जाता है, ये वाला साइड। तो ये है जी हैशटैग श्रीनगर जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला आपको देख रहा है, ये वाला जी जो है हैशटैग श्रीनगर, जिसका रंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है इस टाइम में। और आगे जाकर जो है लेफ्ट साइड से आपको LCD भी दिखाऊंगा, जैसा घंटाघर के पास LCD है सेम जो है वैसा वही यहाँ पे भी एक LCD जो है लगाया हुआ है। और साथ में जो है साइकिल स्टैंड, जो स्मार्ट सिटी के साइकिल्स हैं वो भी यहाँ पे, और साथ में जो है इसके LCD एक बहुत ही बड़ा वाला LCD जैसे कि घंटाघर के पास है सेम वैसे घंटे। तो जी ये जो है आगे आपको यहाँ पे एक चिनार पार्क भी मिल जाएगी, जो ऑटम के सीजन में बहुत ही ज़बरदस्त उसका लुक जो है रहता है। और यहाँ से हाउस बोट जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं वार्ड नंबर 1 से ही, और इनका जो डे का लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और नाइट का लुक जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और भी जो है शिकारा वगैरह वो भी सब कुछ दिखाएंगे आगे, और डल लेक का जो व्यू है इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो शिकारा यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, शिकारा राइड आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही मज़ा आता है शिकारा राइड करने में। जैसे कि ये लोग जो है निकल चुके हैं, अब ये आप देख सकते हो शिकारा राइड करने के लिए ये लोग निकल चुके हैं, जो कि डल लेक का डे में। और नाइट में भी बहुत सारे लोग निकलते हैं, क्योंकि इसका जो है डल लेक का जो है डे का व्यू भी बहुत ही अच्छा होता है, और नाइट का व्यू जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको LCD बताए थे वो जो है सेम आपको डल गेट मार्केट के पास मिल जाएगी, है जी मार्केट। और जो यहाँ से जो है LCD, और यहाँ से जो है आपको नेहरू पार्क अगर आपको जाना होगा तो यहाँ से आप जा सकते हो, जो कि है सिर्फ शिकारा के थ्रू आप जा सकते हो आगे। वहाँ से जो है नेहरू पार्क का जो है गेट है, ये आप देख सकते हो बहुत सारे लोग जो है गए और आप वापस आ रहे हैं, जो कि सिर्फ आप शिकारा के थ्रू यहाँ से जा सकते हो आगे। तो जी यहाँ से आप डल लेक का व्यू देख सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ से घाट नंबर 17 पे हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो है घाट हाउस बोट जो बहुत कम हो जाते हैं यहाँ तक आते होते। ये वाला जो फाउंटेन है, ये डल लेक का जो व्यू है वो अलग ही इसका मिलता है, इतना प्यारा व्यू आपको कश्मीर में और कहीं पर नहीं मिलेगा लेक के। ये है दूसरा पॉइंट डल लेक का, जहाँ पर आपको फाउंटेन आगे फिर से मिलेंगे SKICC के थोड़ा सा सामने ही, जहाँ पे आपको फाउंटेन और मिलेंगे गुफ्तार का रोड, जहाँ से जो है गुफ्तार का रोड जो है फिर से मिलता है यहाँ पे डल लेक पे, तो उसके सामने जो है फाउंटेन का जो है व्यू फिर से आपको मिलेगा। राइट साइड से आप परी महल जा सकते हो, और टूलिप गार्डन भी है जो इस टाइम का व्यू है। ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं इस टाइम, ये जो है डल लेक का व्यू इस टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम यहाँ पे। यहाँ से आपको मिलेगा शेर कश्मीर का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यहाँ से, और यहाँ से आगे आपको मिलेगा SKICC का गेट, जहाँ पे आपको नाइट को फाउंटेन्स का व्यू आपको मिलने देखने को मिल जाएगा यहाँ इस साइड से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सिर्फ 50 रुपीज़ में टिकट से आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो, और यहाँ से निकलने के बाद आपको फिर से जो है डल लेक का फाउंटेन का जो व्यू है फिर से इतने लगेगा, क्योंकि डल लेक में जो है बहुत सारे फाउंटेन जो है आप लगाए हैं स्मार्ट सिटी के दौरान, जो लेक में जो भी आता है उसको जो है बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे घूमने में, जब वो फाउंटेन्स का व्यू देखता है यहाँ पे आकर। तो फाउंटेन से जो है डल का व्यू और भी खास हो जाता है, जिसमें मज़ा आता है घूमने में। तो जी यहाँ पे आपको आकर मिलेगा आगे ये जेट स्काई पॉइंट, जो कि ये है, और यहाँ से जो है आप राइड कर सकते हो एक यहाँ पे राइड करने में, इस वाली राइड में जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो ये वाली राइड, ये जी राइड पे निकल चुका है बंदा, और राइड करने में बहुत ही मज़ा। और यहाँ से जो है राइट साइड से मकाई पार्क, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, ये है जी मकाई पार्क, कश्मीर की फेमस तो जी आपको खाने को मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि बहुत ही फेमस है कश्मीर में। डल लेक के एंड पे हम पहुंच चुके हैं, जहाँ से हम निशात अब जाने वाले हैं, और यहाँ पे जो है आपको सामने एक बोट दिख रही होगी, हाउस बोट आपको दिख रहा है, बट ये हाउस बोट जो है रेस्टोरेंट है एक एक्चुअली, जिसमें आप जो है शिकारा के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ से जो आपको शिकारा करना पड़ेगा, और शिकारा के थ्रू जो है आपको वहाँ पर वहाँ तक जाना पड़ेगा,
और हाउस बोट भी जो आपको सब कुछ फास्ट फूड खाने को मिल जाएगा, जो कि इसका जो व्यू है शाम का वो भी बहुत ही खास होता है। और जो निशात के सामने जो है दूसरा फाउंटेन है यहाँ पे, इसका भी जो है व्यू बहुत अच्छा रहता है शाम के टाइम। निशात के पहले ही आता है ये वाला फाउंटेन और ये वाला निशात बाग के पहले, और आगे जो है हम आपको निशात का मार्केट और निशात का जो आगे वाला फाउंटेन है वो भी दिखाएंगे, और हैशटैग डल लेक जो है वो भी दिखाएंगे आपको। निशात आकर अब हमने जो है साइकिलिंग राइड करेंगे। अब हम ये यहाँ से आप देख सकते हैं, हम जो है आगे आप फोरशोर रोड जो है यहाँ से हम आगे जो है फोरशोर रोड की तरफ जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे। और हैशटैग डल लेक जो है यहीं पे सामने है, ये आप देख सकते हो यहाँ से जो है हैशटैग डल लेक आप वो देख सकते हैं। तो जी हम फोरशोर रोड पर अभी चल रहे हैं। ये फोरशोर रोड का जो है फुटपाथ है, और ये जो है फोरशोर रोड की जो है लाइटिंग वगैरह ये आप ऊपर से देख सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग यहाँ से की हुई है इन्होंने स्मार्ट सिटी के दौरान। और ये जो है फुटपाथ फोरशोर रोड का, हम वहीं से अभी जो है चल रहे हैं, और आगे कहाँ तक हम जाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे अब आगे। तो जी ये फोरशोर रोड है ये वाला आप देख सकते हो, और इसकी जो लाइटिंग है ये वाली, ये पूरे फोरशोर रोड में जो है यही वाली लाइटिंग जो है इन्होंने दी हुई है। और यहाँ से जो है हम रिटर्न निकल रहे हैं वापस, यहाँ पर जो है बच्चे नहा रहे हैं ये आप देख सकते हो आगे डल के बीच। तो जी हैशटैग डल लेक के पास हम रिटर्न पहुंच, जो आप देख सकते हैं ये है जी हैशटैग डल लेक, जो कि है निशात के बिल्कुल ही सामने। यहाँ पे जो है पार्किंग वगैरह है, और यहाँ से जो है निशात, और ये है जी डल लेक, ये आप देख सकते हैं ये वाला। अब जो है हम साइकिल जो है रिटर्न वापस देंगे बाइक को, और उसके बाद जो हम पहले कुछ खाएँगे, क्योंकि जितना भी वीडियो हमने बनाया तब से लेकर अब तक जो है हमने कुछ खाया नहीं। उससे पहले जो है हमने चाय पी थी घर पर, बट अब जो हम पहले खाएंगे देन उसके बाद ही जो है। तो जी ये है निशात का मार्केट ये वाला। तो जी निशा मार्केट एंड पे जो है आपको ये व्यू जो है बाहर का डल लेक का व्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक फाउंटेन जो है आपको देखने को मिल सकता है, और राइट साइड जो है निशात गार्डन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है शिकारा वगैरह, आप यहाँ से जो है राइट पे निकल सकते हो आगे तक जहाँ आपको जाना होगा। और यह है जी यहाँ से निशात पार्क का मार्केट, और यहाँ पे जो है एक खूबसूरत सा स्पॉट बनाया हुआ है, जो कि डल लेक का नज़ारा आपको देखने को जहाँ से मिलता है। ये है जी डल लेक का फाउंटेन निशात पार्क के बिल्कुल ही सामने। तो जी वो बहुत लग चुकी थी, अब जो हमने सोचा पनीर पकौड़े खाएंगे, क्योंकि डल लेक पे जो है निशात मार्केट में पनीर पकौड़ों का इतना मज़ा है कहने की बात नहीं। अब जब भी यहाँ आओगे पनीर पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चार पनीर पकौड़ों के साथ हम चाय पियेंगे, अब देखते हैं उसके बाद जो है हम यहाँ से निकलेंगे। तो जी फाइनली अब हम ये चाय पी कर निकल रहे हैं यहाँ से, डल लेक से जाएंगे डल लेक की तरफ, देखते हैं कैसा मज़ा आएगा। अब इस टाइम जो है सनसेट है, सनसेट का व्यू आपको दिखाएंगे डल लेक पे। आगे जो था सनसेट नहीं था, बट अब जो है सनसेट का भी व्यू आगे आया है, तो वहाँ पे जो है कश्मीरी सनसेट जो है वही पे आया। डल के बीच में आप पैराशूटिंग भी कर सकते हैं, ये जी आप देख सकते हो ये वाला। और ये है जी घाट नंबर, मैं आपको बता देता हूँ घाट नंबर 19A के सामने है बिल्कुल। तो ये सनसेट के टाइम आप डल का व्यू देख सकते हो, ये है जी सनसेट के टाइम डल का व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम यहाँ पे। ये व्यू आप श्रीनगर आ रहे हो तो कभी भी मिस मत कीजिए, ये व्यू जो है बहुत ही अमेजिंग है डल लेक का। और डल लेक में इस टाइम शिकारा राइड करने का अलग ही मज़ा आता है, तो शिकारा राइड भी कीजिए इस टाइम आकर यहाँ पे, और इस बस का जो है ज़रूर मज़ा ले सकते हो। इससे जो है डल लेक का आपको व्यू जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जी फाइनली गाइस स्मार्ट सिटी का जो डे व्यू था वो मैं इस खूबसूरती के साथ जो है एंड करने वाला हूँ। जी गाइस डे व्यू का वीडियो हम यहीं पे एंड करने वाले हैं आज, और डे व्यू का वीडियो कैसा लगा आपको वो ज़रूर बताइएगा। और हम जो है अब यहाँ से जो है रिटर्न घर निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मिलेंगे। और डे व्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए और भी वीडियो ला पाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।